हमारे हाथ की रेखाओं में कुछ ऐसे निशान होते हैं जो हमें रहस्यमयी ज्ञान देते हैं, जिसे हम गुप्त ज्ञान कह देते हैं। ये कई बार ज्ञान भी होता है, कई बार हमें किसी की मदद भी मिलती है, कई बार हमारे सामने सिचुएशन ऑल ऑफ सडन ऐसी आती है कि हमें किसी की मदद करनी भी पड़ती है। और ये निशान कौन सा होता है? यदि हम सबकी हथेली पर यदि बुद्ध का, यानी कि ये जो हमारी उंगली है सबसे छोटी वाली, यदि यहाँ पर आपके हाथ में त्रिशूल का निशान है, तो आप बहुत जल्दी सामने वाले के इमोशंस को समझ जाते हैं। आप बिना बोले ही सामने वाले की वाणी और उसके क्वेश्चंस को समझ करके उसका जवाब तैयार करते हैं। यदि ये सूर्य की उंगली के नीचे आपके त्रिशूल का निशान होता है, तो आप मल्टीपल रिसोर्सेज से आपको सरकार की मदद मिलती है और आप समाज और सरकार में अपना नाम ऊंचा करते हैं। यदि ये शनि की उंगली के नीचे निशान त्रिशूल का मिलता है, तो ऐसी कंडीशन के अंदर आपका भाग्य आपको चारों तरफ से मदद देने वाला होता है और आप अपने कार्य के अंदर, अपने टैलेंट के अंदर आप बहुत स्किल्डफुल पर्सन हैं। आपको अपने काम की नॉलेज बहुत अच्छे से है और आप भी बात जानते हैं, जिसको अपने कर्म का ज्ञान बहुत अच्छे स्तर पर है, उसका भाग्य उसका कभी भी कुछ नहीं बिगाड़ता, यानी वो भाग्य अपना स्वयं अपने हाथों से लिखने में विश्वास करता है। यदि यही जो त्रिशूल का निशान है ये आपकी बृहस्पति की उंगली के नीचे मिलता है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको ज्ञान बहुत होगा और आप अपने पिछले जन्म के जो कर्म हैं, जो संस्कार हैं, उसके थ्रू भी आप अपनी जिंदगी के अंदर बहुत सारा ज्ञान लेकर के पैदा हुए हैं। आपको इंट्यूशंस बहुत तेजी के साथ आ जाती है और आप अपनी जिंदगी के अंदर कुछ भी होने के पहले आपको उसका आभास बहुत अच्छा हो जाता है। तो आप इस बात को बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और ये भी बता देता हूँ, ये निशान कई बार त्रिशूल की तरह तो दिखते हैं और ये कई बार कट्स की तरह दिखते हैं। तो जब ये कट्स की तरह दिख रहे होते हैं तो आदमी परेशान हो जाता है, आदमी परेशान हो करके डिफरेंट डिफरेंट तरह की कोई गलतियाँ कर बैठता है। मैं आपको सिंपल सा इनका उपाय भी बता देता हूँ। यदि बुध के पर्वत के नीचे है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको कन्याओं का आशीर्वाद लेना चाहिए। यदि सूर्य के पर्वत पर है ये निशान, तो आपको बंदरों की सेवा करनी चाहिए, उनको आपको बंदरों को गुड़ और गेहूँ खिलाना चाहिए। साथ ही साथ आप नारायण स्त्रोत का पाठ जरूर करिए। यदि ये आपकी शनि की उंगली के नीचे है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको अपने कर्म में ही पूरी तरह से फोकस्ड रहना होगा। आपको इधर उधर ध्यान नहीं देना, लिमिटेड मात्रा में लिमिटेड तरीके से अपने आप को रिप्रेजेंट करना है और बहुत अच्छा रिप्रेजेंट करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। इसके बाद यदि बृहस्पति की उंगली यानी कि पर्वत पर ये निशान है, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको ज्ञान बहुत अच्छे से लेना चाहिए। इससे ही पता चलता है कि आपको अभी अपने कर्म की सही नॉलेज नहीं है। आपको अपने कर्म में और पढ़ाई करनी चाहिए और प्रैक्टिस करनी चाहिए और डिग्री लेनी चाहिए, या आपको किसी गुरु आश्रम में या किसी गुरु की शरण में जा करके, और गुरु की शरण वो जो अपनी ज़िंदगी के अंदर कार्य में टैलेंटेड हों, जो सिर्फ आपको तथास्तु कह करके आपको भेज रहे हैं और टाइम पास हो रहा है, ऐसे गुरुओं की शरण में आपको जाने से बचना चाहिए। आप अपने बृहस्पति के फल को खराब कर लेते हैं। तो आप इन उपायों को करके अपनी ज़िंदगी में संतुलन की अवस्था में आ जाएंगे, करके देखिएगा। यदि आप अपॉइंटमेंट लेकर के मुझसे मिलना चाहते हैं, अपनी जन्म कुंडली का कंसल्टेशन लेना चाहते हैं, तो स्क्रीन पर दिए नंबर पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। मैं आपसे मिलने मुंबई भी आने लगा हूँ, आप वहाँ भी मुझसे मिल सकते हैं। और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑल नोटिफिकेशन पे क्लिक जरूर कर लीजिएगा। जय माता दी।